नमस्कार, ये हमारा दूसरा ट्रैक्टर है मिनी छोटू। जी सर। और छोटू ट्रैक्टर 5118 ये यहाँ पे आज 11th एग्री एशिया एक्सपो में हमने लगाया है। जी सर। तो इसकी खूबियों की बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पीछे भी इसका जी सर पोस्टर लगाया हुआ है। जी सर। तो ये ट्रैक्टर जो है सबसे बड़ी बात ये है कि मिनी के सेगमेंट में ये ट्रैक्टर सब्सिडी के साथ उपलब्ध है गुजरात के अंदर, साथ में इसमें फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कस्टमर्स को, फोर व्हील भी और टू व्हील भी। जी सर। दूसरा, ये जो ट्रैक्टर है वो इसमें खूबियाँ बहुत है, इसमें ऑयल ब्रेक है और साथ साथ में इसमें 10 स्केल का हाइड्रोलिक सिस्टम है, जहाँ पे अलग अलग आपको गहराई लेने के लिए अलग अलग डीसी लीवर दिया गया है। जी सर। साथ में इसमें इकोनॉमी पीटीओ दिया है कि जिसमें 540 आरपीएम आपको 1480 इंजन आरपीएम पे मिलता है जो इकोनॉमी स्पीड है, और दूसरा जो 540 आरपीएम है वो 2180 की इंजन आरपीएम पे मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें गियर बॉक्स जो है वो गियर बॉक्स आपका 8+2 का गियर बॉक्स है, जैसे बड़े ट्रैक्टर्स में आता है वैसा ही है। जी सर। आप इसको देख सकते हो, बहुत स्पेशल ट्रैक्टर बनाया गया है सर, प्लेटफॉर्म भी बड़े बढ़िया बनाया है, बैठने का सीट पीछे का व्हील ट्रैक जो है जी वो व्हील ट्रैक बहुत आपका छोटा बनाया है, जिसके कारण जो किसान इंटरकल्चरिंग का काम करते हैं जी सर, यानी खास करके गुजरात में गन्ने की और कपास की जो बुआई होती है उसकी जो खेती होती है उसके बीच में इंटरकल्चरिंग के लिए ये ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा मार्केट पकड़ रहा है, और हमने ये गुजरात के अंदर काफ़ी 2 साल से लॉन्च किया है और बहुत ही बढ़िया अभी सब्सिडी में भी आ गया है, तो सभी किसान इसका लाभ उठाएंगे। तो ये बहुत ही अपने श्रेणी में अनोखा ट्रैक्टर है छोटू ट्रैक्टर, जिसमें खास करके फीचर्स है ऑयल ब्रेक और आपका जो ड्यूल पीटीओ इसमें दिया है, जिस 1+2 गियर बॉक्स दिया है। टायर वायर की बात करें, ऑयल की टंकी, तेल की टंकी कितने लीटर की है और उसके बारे में इतना मुझे याद है। बेसिकली सर ये किस चीज़ के लिए रास्ता, आपने गुजरात का तो बताया, गुजरात में खास करके ये जो ट्रैक्टर है जो इंटरकल्चरिंग यानी कपास की खेती में सबसे ज़्यादा चलता है, जिस हिसाब का गन्ने की खेती होती है उसमें ज़्यादातर ये बीच में जो चलाने के लिए बीच में इंटरकल्चरिंग करने के लिए और इसके लिए खास ये छोटू ट्रैक्टर का यूज़ होता है। ये इसका बताइए गियर वेयर का क्या बता दिया मैंने, गियर बता दिया, ये पीटीओ बता दिया। अच्छा सर, और क्या कॉस्ट तक मिल सकता है इसको, लमसम बता सकते हैं आप, आइडिया दे सकते हैं सर? ये जैसे फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्री एशिया में लगाया है। जी सर। ये 3,55,000 में फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर उपलब्ध है। जी, काफ़ी शानदार है सर, ये छोटा किसान भाई होगा, गरीब किसान भाई होगा तो वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। यस यस, उसके लिए भी एकदम लाभदायक काम हो सकता है, या बागवानी का जो काम कर रहा है उसके लिए। हाँ, बागवानी के काम के लिए नंबर 1 ट्रैक्टर ये बनाया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन लगाया है हमने। जी सर, तो उसका कैसे मदद मिलेगी किसानों को सर, सिंगल कूल्ड का? सिंगल पिस्टन के कारण रेडिएटर नहीं रहता है, तो रेडिएटर नहीं होने के कारण आपका ये जो बहुत लंबे समय तक चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक आगे और दिख रहा है ट्रैक्टर, उस पर चलते हैं।